Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparation भी काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी. तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत यूजफुल उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका ड्रीम जॉब है कि वो डिफेंस सेक्टर में जाके अपनी कंट्री को सर्व करे. तो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक जबरदस्त जॉब की अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है असम राइफल की तरफ से. टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए 2023 की रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है. ऑल इंडिया की वैकेंसी रहेगी. ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोनों ही पोस्ट के लिए वैकेंसी बहुत जल्द हम सभी के बीच आने वाली है. मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के लिए अच्छा मौका रहने वाला है. तो अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या है, इम्पोर्टेंट डेट क्या है, फॉर्म कब तक आएगी, एग्जाम की पैटर्न क्या होगी, पीईटी एंड पीएसटी की डिटेल, इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या होगा, कंप्लीट डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा. तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले जैसा कि आप सभी को बताया है कि टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट आई है. दोनों पोस्ट को कंबाइन करके आपको ग्रुप बी एंड ग्रुप सी दोनों की कंबाइन जो होगी ना 1500 के अप्रोक्स सीट्स ये रहने वाली है आपकी. फॉर्म की फी की अगर बात करूं तो ग्रुप बी की पोस्ट के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 200 रुपीज लिया जा रहा है. एससी एसटी से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा. ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से 100 रुपीज लिया जाएगा. एससी एसटी से कोई चार्ज नहीं लगने वाला है. एज लिमिट आपका कब से कैलकुलेट होगा ये बताऊंगी आपको नोटिफिकेशन के आ जाने के बाद. अभी फिलहाल फ्रेंड्स इतना जानो कि अगर आपका मिनिमम एज 18 इयर्स है, मैक्सिमम 23 है, तो आप इलिजिबल रहने वाले हो इस जॉब के लिए. यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, ओबीसी को 3 इयर्स का, एससी एसटी को 5 इयर्स का, एज पर द गवर्नमेंट रूल्स. आगे आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स कि कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी आएगी, पोस्ट वाइज एज क्या है, क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज क्या रखा जाएगा. पोस्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स तो कुक, वाशरमैन, बारबर, मेल एंड फीमेल सफाई कर्मचारी का सीट रहेगा आपको. उसके लिए आपको मिनिमम 18 मैक्सिमम 23 रहेगा. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन सब पोस्ट के लिए ओनली 10th पास आप हो तो आप इलिजिबल रहने वाले हो. इसके अलावा फ्रेंड्स प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, फील्ड इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, व्हीकल, मतलब इन सब पोस्ट के लिए आपका एज जो है 18 to 23 है एंड इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ा एक्स्ट्रा मांगा गया है. 10th पास आउट होने के साथ अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हो. और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप 10th पास आउट हो और आपका एज इसके अंडर आता है, आपके पास आईटी है, तो आप ना अभी से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो क्योंकि बहुत जल्द ही फॉर्म आ जाएगा. तो उस वक्त ना आपको जो तैयारी करने के लिए समय मिलेगा वो काफ़ी कम पड़ जाता है. तो क्यों ना सबसे पहले फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे. पढ़ाई तो हर वो बच्चा करता ही रहता है कंटिन्यूसली जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है. आइए बता देती हूँ कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है. सो फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 4 स्टेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आपका पीईटी एंड पीएसटी. पीईटी मतलब होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट. पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट. इसमें आपका जो है हाइट मेजरमेंट, चेस्ट वगैरह जो मेजर किया जाता है, वेट मेजर किया जाता है, वो सब पीएसटी में आता है. रनिंग वगैरह की देखो तो वो पीईटी होता है. आपका क्या इफिशियंसी है रनिंग वगैरह में वो देखा जाता है. स्किल टेस्ट भी यहाँ पे होगा उसके बाद, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका ना ट्रेड्समैन और टेक्निकल वैकेंसी निकली है तो जिस ट्रेड से रिलेटेड आप यहाँ पे अप्लाई करोगे उसका आपको स्किल टेस्ट पास करना होगा. थर्ड होगा आपका रिटन एग्जाम. चूंकि जो भी डिफेंस सेक्टर के एग्जाम होते हैं उसमें आपका रिटन एग्जाम ही होता है, तो ये आपका एग्जाम होगा. फिर मेडिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी. चलिए बता दूं आपको कि पीईटी एंड पीएसटी का क्या क्राइटेरिया है, मतलब कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का क्या क्या रहने वाला है यहाँ पे. सबसे पहले फ्रेंड्स होता है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट. तो हाइट मेल के लिए जनरल एंड अदर्स का आपको रहने वाला है 170 सेंटीमीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट. एसटी कैंडिडेट्स मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट. फीमेल्स के लिए जनरल एंड अदर्स का 157 सेंटीमीटर हाइट रहेगा. एसटी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 152 सेंटीमीटर रखा गया है. देन फ्रेंड्स होती है आपकी चेस्ट की मेजरमेंट.
फीमेल्स की नहीं होती है, मेल्स के लिए ये रहता है। 80-85 सेंटीमीटर होता है आपका जनरल एंड अदर कैटेगरी के लिए। एसटी कैंडिडेट्स के लिए 76-80 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स देखो, जैसा कि आपका एक्सपेंशन होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपको ज्यादा प्रिफरेंस दिया जाएगा यहाँ पे। रनिंग की बात करते हैं, इसमें आपको रनिंग होता है 5 किलोमीटर का मेल के लिए 24 मिनट में कंप्लीट करना होता है। फीमेल्स के लिए 1.6 किलोमीटर का होता है, 8.5 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना होता है। फ्रेंड्स अगर आप लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हो तो मेल कैंडिडेट्स की रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स, फीमेल्स के लिए 800 मीटर्स की रनिंग होती है 4 मिनट में। तो ये थोड़ा ना रीजन वाइज डिफर करता है, तो वो आप नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप जिस रीजन से हो आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ। मैंने ऐसे तो आपको मोटा मोटी तौर पे मैं बता ही देती हूँ, बट हमेशा जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करो तो उसका नोटिफिकेशन एक बार खुद से अच्छे से देख के समझ के तभी फॉर्म अप्लाई करना। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पीईटी एंड पीएसटी तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब सेकेंड स्टेज होता है आपका स्किल टेस्ट, तो वो तो आपका ट्रेड रिलेटेड है। कुक है तो आपको खाना बनाना होगा, बार्बर है तो बाल काटना होगा, वही सब आपका स्किल टेस्ट होता है। उसके बाद होता है आपका मेजर थिंग जो कि होता है रिटन एग्जाम, जिसके बेसिस पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिटन एग्जाम की पैटर्न क्या रखी गई है। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 100 मार्क्स के लिए 2 आवर्स में होगा, एंड आपके यहाँ पे कोई सा भी निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। जीके के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, एंड इंग्लिश के आपका जो है यहाँ पे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का पेपर रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी को करो, और जहां पे लगे कि यार ये सही है या गलत है उसको आप जरूर टिक करके आओ। उससे क्या होगा ना कि सही के सही मार्क्स तो मिलेंगे, बाई चांस आपने तुक्का लगा दिया, निगेटिव तो है नहीं, तो उससे हो सकता है कि आपके लिए एक चांस बढ़ जाता है यहाँ पे। तो चलिए आपको बता देती हूँ कि मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या रखा गया है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 35% मिनिमम पासिंग मार्क्स होना चाहिए, अदर्स के लिए 33%। तो ये तो फ्रेंड्स नोटिफिकेशन में कहने की बातें होती है, लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तभी जाके आपका जो कट ऑफ में, हाई कट ऑफ में आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन ना दिन प्रतिदिन हर चीज में बढ़ते जा रहा है, पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है। तो अपनी तैयारी को ऐसी रखो आप कि आपको कोई भी बाधा आगे आपके रास्ते में आ ना पाए। सो तैयारी अच्छी करनी ताकि स्कोर अच्छा कर सको आप। अब आते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे। आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने सारा कुछ तो बता दिया, एक्सपेक्टेड डेट तो बताया नहीं कि फॉर्म कब आएगी। तो फ्रेंड्स ये ऑफिशियली नोटिफाई किया गया कि जल्द ही फॉर्म हम सभी के बीच आएगा, फॉर्म अभी आउट हुआ नहीं है। ये फॉर्म आपका जो है अगस्त के लास्ट से लेके सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में ये आपका हमारे बीच आ जाएगा फॉर्म। तो तब तक अपना समय वेस्ट ना करें, जितना अच्छे से हो अभी से ही तैयारी आप स्टार्ट कर दो। रही बात सैलरी की, तो मिनिमम आपको ना 30K से स्टार्टिंग होता है, और मान के चलो फ्रेंड्स कि आप जब ज्वाइनिंग करते हो ना तो आपका 45,000 के अप्रोक्स आपका सैलरी रहता है। इसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट भी होता है। जॉब लोकेशन आपका ऑल ओवर इंडिया में रहता है, एज पर लोकेटेड बाई असम राइफल्स। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताए हैं असम राइफल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन है ना फ्रेंड्स, हेजिटेशन किस बात की, आओ वहां पे पूछो, मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज और भी ज्यादा मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मैं इतना मेहनत करती हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, भर भर के वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर देना। सो मिलूंगी आपसे फिर से किसी न्यू जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।